अभी आपने देखा कुछ वीडियो क्लिप्स जो मेरे पास ऑडिशंस के लिए आए थे, हमने जो प्रेम रोग बनाया उसके पहले, और उसी बेस पे हमने उनका सिलेक्शन किया है। और कुछ क्लिप देखिए आगे, और कुछ क्लिप देखते हैं। अब इन लोगों में हमारे संस्कार और मोरालिटी नहीं रहे। Really? वैसे आप दोनों कब से मैरिड है और क्या है आपके संस्कार और क्या है आपकी मोरालिटी? कैन प्लीज एक्सप्लेन अस। सबको पता है इनके बिजनेस डील के बारे में, कहां जाते, किसके साथ जाते, क्या क्या करते हैं, और आप तो ऐसे प्रिटेंड करते हो जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। विद द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज आपके पास कहीं और है ही नहीं जाने को। हाउ डेयर यू? इट्स ट्रू। लीव, जस्ट लीव। नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। इस घर में सब ऊपर ऊपर से बात करता है, असली बात तो कोई करता ही नहीं एक दूसरे से। क्या बचा है अभी बोलने के लिए? क्या बात करनी है तुम्हें? हाँ, मैं फरा से प्यार करता हूँ, वो डांसर और मुसलमान है। ड्यूक, हाय, तुम्हारी सैलरी कितनी है? पर मंथ तुम कितना पैसा कमाते हो? डजंट मैटर, मैं 50 कमाती हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने ऐसा कौन सा बड़ा तीर मारा है जो तुम्हारी शादी इतनी धूमधाम से हो रही है और डाउरी में तुम्हें गाड़ी मिल रही है? रियली? तो मिंटी को जानती थी को, तुम्हें क्या लगता है अगर ये अरेंज मैरिज नहीं होती तो कभी तुम मुझे पटा पाते? नहीं, अभी बाकी है। तुम्हें पता है ये शादी करने में कितनी मेहनत लगी है इन्हें? लोन हो गया इनके सर पर, और जो गाड़ी मिल रही है तुम्हें वो तुम्हारे 15 साल का दिवाली बोनस है, और जो गाड़ी चाहिए तुम्हें वो तो तुम रिटायरमेंट के बाद भी नहीं ले पाओगे। हाँ, अगर जोर लगाओगे तो बड़ी गाड़ी दे देंगे बेचारे, पर तुम्हें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? थैंक यू। अरे भाई, अरे भाई, बिना पैसे से कुछ नहीं मिलता। पैसे रहे माल है तो धमाल है, बाकी सब बेकार है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऐसे 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो ऑडिशंस के वक्त बहुत जरूरी होता है। अगर आप कहीं ऑडिशंस देने जा रहे हैं किसी फिल्म का, टीवी सीरियल का या वेब सीरीज का, तो आपको ये 7 बातें जरूर याद रखनी चाहिए। नंबर 1 है कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी हाई होना चाहिए। यू शुड बी कॉन्फिडेंट, यस मैं आई कैन डू दैट, मैं इसे कर सकता हूं। आपका कॉन्फिडेंस आपकी चाल में झलकता है। जब भी आप रूम के अंदर स्टूडियो में जहां पे भी आपका ऑडिशन हो रहा है वहां पे जब भी आप दरवाजा खोल के एंटर करते हैं, वहीं से आपको वॉच करना कास्टिंग डायरेक्टर और बाकी के जो लोग है, जो लोग वहां बैठे रहते हैं, अगर पैनल में कुछ लोग है वो लोग वॉच करते हैं। हाउ यू आर वॉकिंग इन, आप कैसा इन कर रहे हैं, आपके बॉडी का जेस्चर क्या है। आपका कॉन्फिडेंस आपके चाल में झलकना चाहिए, आपकी बातों में झलकना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट, डोंट बी नर्वस। आप नर्वस मत होइए। आप ये सोचिए कि आपके सामने जो लोग बैठे हुए उन लोगों को कुछ खास मालूम नहीं है एक्टिंग के बारे में, और आप ये बिलीव कीजिए, यस आपको सब मालूम एक्टिंग के बारे में, और जो कैरेक्टर आपको दिया है उसे आप अच्छी तरह से करेंगे। नर्वस मत होइए। अगर वो आपको पूछे भी, समटाइम्स कास्टिंग डायरेक्टर आपको पूछ सकता है आर यू नर्वस, यू मस्ट आंसर नो सर। तीसरा पॉइंट है प्रोफाइल। तो जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में घुसते हैं, आप कॉन्फिडेंट है, आप नर्वस नहीं है, तो वो आपको एक मार्क देते हैं, जमीन पे एक मार्किंग रहता है जहां पे आपको खड़ा होना है, जिसपे वो कैमरा सेट किया हुआ रहता है, और वहां से आपको अपना प्रोफाइल लेना है। प्रोफाइल, कुछ लोगों ने पूछा सर प्रोफाइल क्या होता है? भाई प्रोफाइल होता है, आप खड़े हो जाइए, पहले आप अपने राइट घूमिए, राइट घूमने के बाद गर्दन को लेफ्ट घुमाइए, गिव अ स्माइल, ओके, देन राइट का आपका हो गया, उसके बाद इसी तरह से लेफ्ट का, फिर कैमरे की तरफ आपको अपना हेड घुमाना है, स्माइल देना है, और उसके बाद सेंटर प्रोफाइल ये देना है आपको, और आपको बताना है आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका एड्रेस और आपका मोबाइल नंबर, ये आपको जरूर प्रोफाइल में बताना है, ये उनके रिकॉर्ड के लिए रह जाता है,
कि भाई इस बंदे को कॉल करना है, इसको बुलाना है शूट के लिए, इसे एक रोल दे रहे हैं, तो वो कैसे कॉल करेंगे? वो सबका तो रजिस्टर में लिखते नहीं रहेंगे, इसके लिए प्रोफाइल लिया जाता है और प्रोफाइल में देखते भी हैं कि आप राइट साइड से कैसे लग रहे हैं, लेफ्ट से कैसे लग रहे हैं और सेंटर से किधर से आपका प्रोफाइल अच्छा आ रहा है। जो चौथा पॉइंट है वो है आपकी पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी आपके कपड़ों से, आपके जूतों से, आपने सेविंग वगैरह किया है नहीं किया है, और इन सब चीजों से आपकी पर्सनालिटी झलकती है। आपके कपड़े देख करके, आपके जूते देख करके, मान लीजिए आप वहां पे इंटरव्यू देने के लिए गए हैं और आप चप्पल में गए हैं और चप्पल भी गंदा है और पैंट भी पुरानी पहनी हुई है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, आपका इम्प्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि चप्पल में आपका ये होगा, लेकिन जब आप ऑडिशन के लिए जा रहे हैं, ऑडिशन इज एज गुड एज इंटरव्यू, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर शूज पहनने चाहिए, शूज पॉलिश होने चाहिए, अगर आपने जो भी कपड़े पहने वो ढंग के कपड़े पहने होने चाहिए, जिससे आपकी पर्सनालिटी में एक निखार आ जाए। पांचवा जो पॉइंट है वो है कैरेक्टर। जब आप वहां जाते हैं तो आपको एक स्क्रिप्ट पकड़ा दिया जाता है जिसमें चार लाइनें लिखी होगी और उसमें आपको बता दिया जाता है कि भाई इसमें आपको ये कैरेक्टर करना है। कैरेक्टर को आपको समझ रहे हैं, यू शुड अंडरस्टैंड द कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर का मतलब उसको हिंदी में बोले तो उसको बोलते हैं कैरेक्टर में घुसना। आपको उस वक्त ये सोचना है कि आप वही कैरेक्टर है, यू आर नो मोर राम श्याम अब्दुल सलीम और फर्नांडिस, यू आर दैट कैरेक्टर। और कैरेक्टर के अंदर आप जाइए, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो कैरेक्टर क्या इमोशन दे रहा है वहां पे, जो डायलॉग बोल रहा है क्या, ये आपको समझना है। जब आप कैरेक्टर को समझेंगे तो आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। पॉइंट है फेस एक्सप्रेशंस। आप जब डायलॉग बोल रहे हैं, आपको जो डायलॉग्स दिए हुए हैं, तो उस समय आपके चेहरे पे भाव भी आने चाहिए। कैरेक्टर के हिसाब से आपके चेहरे पे भाव आने चाहिए, आपकी आंखें बोलनी चाहिए, आपकी आंखों से भी झलकना चाहिए। आपकी आंखों से अगर प्रेम का कोई सीन है तो प्यार झलकना चाहिए, गुस्से का सीन है तो गुस्सा झलकना चाहिए, ये सब। और साथ ही साथ इसके साथ आपको अपने हाथों का भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। ये सब आपने सीखा होगा अगर आप कहीं एक्टिंग क्लास किए हैं या कहीं पे भी आपने नाटक वगैरह किया है, तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल करना सीखिए। हाथों का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अरे यार देखो, देखो सर मैं ये नहीं कर सकता, तो ये है कि आपको आपके फेस का एक्सप्रेशन, आपके आंखों का इस्तेमाल, आपके शोल्डर्स का इस्तेमाल, आई डोंट नो लाइक दैट। सातवां और आखिरी पॉइंट है, आप स्क्रीम ना करें, नो स्क्रीमिंग। आप चिल्लाए नहीं। बहुत से लोग चिल्लाने को एक्टिंग समझते हैं, कुछ भी डायलॉग दिया जोर जोर से चिल्ला, मत चिल्लाइए। बिना चिल्लाए और बिना ऊंची आवाज किए हुए भी डायलॉग्स बोले जा सकते हैं। हमारे इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे जो थिएटर से हैं और जो जानते हैं, समटाइम्स बिना डायलॉग बोले भी सब कुछ बोल दिया जाता है सिर्फ आंखों से। तो आपको स्क्रीन नहीं करना, जिस तरह के डायलॉग दिए हैं उसको समझिए और उस हिसाब से आप बोलिए। स्क्रीन नहीं करने का मतलब नहीं कि अगर उसमें ऊंची आवाज है तो आप ऊंची आवाज का इस्तेमाल ना करें, आप जरूर ऊंची आवाज में बोलिए। जैसे अगर आपको बोलना है, अरे कितनी बार बोला यार तुम्हें, समझ में नहीं आता क्या तुम्हें, जाओ यहां से, गेट आउट फ्रॉम हियर, तो आपको चिल्लाना ही पड़ेगा, आपको स्क्रीन करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, हो सकता है कोई और अगर आपको बताए तो कुछ और बातें बताए, लेकिन इसमें मेन चीजें यही रहेगी, जो पॉइंट्स मैंने बताए यही रहेगी। ऑडिशंस के लिए जब आप ऑडिशंस दे रहे हैं तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इन सब बातों का जब आप ध्यान रखेंगे तो ऑफकोर्स आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने जो एक शॉर्ट फिल्म बनाई प्रेम रोग Everything is Fair, उसका पार्ट टू बनाने जा रहा हूँ।
अगर आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट है तो वो यहाँ पे मैं ईमेल आईडी दे रहा हूँ, उसमें अपना एक क्लिप, वीडियो क्लिप भेज दीजिए, डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए और उसमें भेज दीजिए।